भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, आओ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। मुफ्ती साहब के खिलाफ राज्य में तीसरा अपराध दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अरावली जिले के मोरासा टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले को लेकर शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मोरासा टाउन के PI अभियोजक बने हैं। जानकारी के अनुसार समुदाय और अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला बताया जा रहा है। पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए DYSP, LCB, SOG समेत पुलिस की टीम ने जांच की है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम पिछले साल 24 दिसंबर को मोरासा टाउन में आयोजित किया गया था, जिसमें मुफ्ती साहब के साथ ही कार्यक्रम के आयोजक इशहाक के खिलाफ शिकायत दी गई थी और तीसरी FIR दर्ज की गई है। अब अरावली पुलिस भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की मांग करेगी। इसके पहले आपको बताते चले कि आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मंगलवार को गुजरात के जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से कोर्ट ने मौलाना साहब को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जबकि गुजरात पुलिस ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। मगर अब तीसरी FIR मौलाना सलमान अजहरी साहब के खिलाफ दर्ज की गई है।